चलिए बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां ग्वालियर में एक विवाह समारोह में मेहमान बनकर चोर ने पहले जमकर दावत उड़ाई, उसके बाद स्टेज पर दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया और मौका मिलते ही दुल्हन का पर्स चोरी कर दबे दांव पांव निकल गया। आपको बता दें, चोरी का पता चलने पर जब सीसीटीवी खंगाले गए तो चोर की करतूत भी सामने आ गई है। पुलिस ने अब फुटेज के आधार पर चोर की तलाश करना शुरू कर दिया है। रविवार रात करीब 10 बजे दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे और रिश्तेदार आकर आशीर्वाद देकर फोटो सेशन करा रहे थे। इसी बीच एक युवक आया और फोटो खिंचाने के बाद वहां से चला गया, साथ ही उसने आइसक्रीम खाने के बाद खाना भी खाया। आखिर में वो फिर से स्टेज पर गया, उस समय काफी भीड़ थी और दुल्हन की कुर्सी के बगल में रखा पर्स उठाकर वहां से खिसक गया। मामले का पता उस समय चला जब दुल्हन को पर्स गायब दिखा तो उसने दूल्हे को बताया। मामले का पता चलता ही दूल्हा सूरज व उसके परिजन ने पर्स तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें एक फरियादी सूरज प्रजापति था, उसके यहाँ शादी थी और उसने शिकायत की थी कि शादी में मेरी पत्नी का पर्स चोरी हो गया। उसमें 10,000 रुपये थी, एक नथ बताई, सोने की नथ बताई उसने, और एक मोबाइल, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात व्यक्ति की तलाश की जा रही है। और जो मोबाइल था उसको ट्रेसिंग में डलवा दिया है, जैसे मोबाइल चालू होगा तो चोर को पकड़ लिया जाएगा।